अक्षय पाजी का नाम जॉली है, मैं तो पर्सनली इनको जानता हूँ, ये बहुत ही शरारती हैं एक्चुअली, और अच्छा दिल से बच्चा होना चाहिए। सेट पे भी ये मजाक वजाक करते हैं आपके साथ? बहुत मजाक करते हैं और थोड़ी चोरी भी करते हैं। चोरी मतलब? चोरी मतलब आपका कुछ सामान रखा हो, खासकर आपका फोन रखा हो तो फटाफट चुरा लेते हैं। मतलब मेरे साथ उन्होंने ऐसा किया था कि टुक माई फोन और दो तीन हीरो को मैसेज कर दिया, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मैरी यू, आई लव यू। मेरे फोन नंबर पे कर देते पाजी, आपके पास है? और वो ए से बी तक ही उतर पाया ना, के कहाँ तक पहुँचूँ? हुमा बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस है और हमें गर्व होता है जब भी आप फिल्मों में अच्छा अच्छा काम करती हैं, और इस बार आप और अक्षय पाजी साथ में आ रहे हैं और आपकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है और ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबको पता है कि अक्षय पाजी ने आरजू में माधुरी मैम के साथ, एतराज में करीना कपूर के साथ, अजनबी में बिपाशा बसु के साथ, नमस्ते नंडर में कटरीना कैफ के साथ, हाउसफुल में दीपिका पादुकोण के साथ, हाउसफुल 2 में आसिन के साथ, आप मतलब कोई नाम लो हिरन का, कौन सी जिनके साथ आपने फ्लर्ट नहीं किया, भले फिल्मों में किया, करते तो हो ना? मैं तो फ्री में कर रहा हूँ, आप तो पैसे भी ले लेते हो सब कुछ। तो भैया जिसके साथ करता हूँ वो भी तो पैसे लेती है, ऐसा कुछ नहीं, हम दोनों wrong. पैसे लेते हैं। This is sounding very wrong. Why sounding wrong? But, what why wrong? Tell Paji, पूछो आज, हर बात को wrong wrong बोल रही हैं। आज क्या मतलब wrong क्यों है? क्यों है? आज बता wrong क्यों है? Paji बात उसने कही है। हमारे शो की प्रॉपर्टी क्यों तोड़ रहे हो? चलो आगे चलते हैं। अच्छा सिद्धू पाजी है नहीं आज, तो उन्होंने आपके लिए शेर एक भेजा था, तो मैं आपको बाई हैंड ही दे देता हूँ। ये शेर है, क्योंकि फोन वो ऑन नहीं कर रहे तो ऐसे लाइनों में भेज नहीं पाते, ये शेर आपके लिए है। ये मैं कभी नहीं भूलूंगी। आइए आइए बाबूजी, इधर आइए, इधर आइए, नमस्कार, इधर बैठिए बैठिए, नीचे बैठिए। क्यों बिठा है? अरे बैठिए तो सही। बैठ गया। हाथ दीजिए। हाथ दे दिया। हमने क्या कसम खाया था कि एक दिन इनको कोर्ट में घसीटेंगे। पर तूने कसम खाया था, कोर्ट तो हमने पहना ही ना, तूने तो हमको साड़ी में घसीटा है, तू लिया कसम तेरा। कुछ भी बात कर रहे हैं अक्षय कुमार जी, नमस्कार। पहले ही हाथ पैर जोड़ लेते हैं, आगे का पता नहीं फिर। वैसे हम आपका फिल्म का एकदम ट्रेलर देखे, आप लोगों का उधर देखे, आप सभी लोगों को इंसाफ दिला रहे हैं, हम खाली दरख्वास्त करेंगे हमको एक झुमका दिला दीजिए ना। इंसाफ अच्छा चीज है पर जरूरत नहीं है हमको खास उसका। झुमका चाहिए दिला दीजिए, लेकिन हमको इंसाफ चाहिए। लाओ कान से उखाड़ लेते हैं तुम्हारे झुमके। आप कान ही उखाड़ देते हैं, हमने देखा पहले। हमारी एक बहन ने कहा है कि उन्हें झुमका चाहिए, तो हमें एक बहन नहीं है, ये चार बहन है। देखिए ऐसा वाला ना, ये कटाक्ष मारते रहते हैं हम पर, कुछ कीजिए। हम करने जा रहे थे। अच्छा सुनिए, हमारा जिंदगी बर्बाद हो गया, हमको तो पति बहुत प्यार ही नहीं करता। पति प्यार नहीं करते? बिल्कुल प्यार नहीं करते, हमारे ग्रूम बने हैं जब से, ये पहाड़ जैसे हमारी जिंदगी के रास्ते में आ गया है। कैसे प्यार करेंगे, बीच में सो जाती है हस्बैंड और वाइफ के, भाई ऐसा जिंदगी है हमारा। ये इनका गलत फहमी है, हद है यार, हद है। हम बीच में सोते नहीं है। अच्छा, हम जागते रहते हैं, हम क्या फोन पे चैटिंग करते हैं? देखो ऐसी क्या है कि फोन पे हम क्या 12 क्यों नहीं करते हो, इसे गद्दा समझ के इसके ऊपर दोनों सो जाओ, फिर हमको लगता है हम फर्स्ट फ्लोर पे सोए हैं। बीच में क्यों सोती हो तुम? हमारे जो भैया हैं इनकी शक्ल देखते हैं ना एकांत में सक पका जाते हैं, इसलिए भैया हमसे कहते हैं कि बीच में सोया कर। हाँ, लोगों पे मंगल भारी होता है या मंगल पे भारी है, बताएं आपको, आपको बताएं। जगदीश जी हमारा केस आप लड़िएगा, हमको इससे तलाक दिला दीजिए, बस हमको इससे तलाक मत दिलाइए, आप कुछ मत दिलाइए, अभी तलाक का बात कर रही है, बाद में कहेंगे पॉपकॉर्न दिला दो, आइसक्रीम दिला दो, कोल्ड ड्रिंक दिला दो, मत दिलाइए। और वैसे भी एक बात समझ लीजिए आप, तलाक जो होता है वो हस्बैंड और वाइफ के बीच में होता है। हाँ, तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में तू ही तो है, अब क्या करें? ये तो बात है भैया। देखिए ये तो कोई बात, ए, हम आपको एक राज की बात बताएं। हाँ बताएं। राज सिमरन से बहुत प्यार करता था। तो
तो कुछ भी नहीं, आप पूछे इसलिए बता दिए। एक और बात आपको बताएं, हाँ। देखिए अगर आपका शादी अगर कोई चाइनीज आदमी से हुआ और उसका सरनेम यू हुआ तो आप क्या बन जाएंगी? हुमा यू। वैसे हमको किसी का पर्सनल लाइफ में घुसने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। हमारा लाइफ वाइल्ड लाइफ है ना, जिसमें तो घुस रही है। जगदीश जी कोई दफा चलाइए, इसको दफा करिए यहाँ से। आप खुद बताइए, कौन भला आदमी सुबह 4 बजे उठता है, 4 बजे उठ के बैठ जाती है ये? मैं उठता हूँ। अच्छा, भली कौन भली औरत उठती है? और मैं आपको कहाँ से इंसाफ दिलाऊं, वो 15 मिनट के लिए गई थी, वो आई नहीं बाथरूम में, पता नहीं कॉन्कर करने गई है बाथरूम। उमा आप जज बन जाइए, यहाँ पे आइए। चलिए उमा जी आप जज बन जाइए। हुमा जज और मैं हुमा का अर्दली। जो चाय लेके अच्छा बोलिए। अपना रोमांटिक पिक्चर बंद करो, इधर हमारा जिंदगी में कलेश मचा हुआ है। जज साहब केस पे ध्यान दें। जज साहब ये कह रहे हैं हम 4 बजे क्यों उठते हैं, कारण है हमारा। क्या कारण है? क्या कारण ये है कि 5 बजे अलार्म बज जाता है। अब 4 बजे उठ के हम तैनात नहीं रहेंगे तो उसे बंद कौन करेगा? बजता रहा ऐसा ही बैटरी नहीं डाउन हो जाएगा, है कि नहीं? आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है बताइए। हमारा तो जिंदगी बर्बाद हो गया, क्या अलार्म बजेगा, क्या करेंगे? सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, जो कारखाना का पाँव बजता है उससे आधा घंटा पहले कारखाना चले जाते हैं, फिर जब कारखाना का पाँव बजता है उससे 1 घंटा बाद घर आते हैं। अरे वो कारखाने का पाँव नहीं बजता, इसी का होता है वो। अरे अरे तुम मेरी बात सुनो, तुम साइलेंट पॉन्ग क्यों नहीं करते हो? देखिए कोशिश हर इंसान करता है, कभी कभी नहीं हो पाता। अक्षय भाई एक बार इसने खड़खड़ी पॉन्ग किया, टेक ऑफ कर गई, इतना प्रेशर हो। अरे हम तो समझे थे तू लड़की है, तू तो सिलेंडर निकली, सब कैसे ही का बात हो रहा है। अरे ये क्या बात हो रहा है, हम ऐसा कुछ नहीं करते हैं। और सच में अगर आपका पति इतना लेट आता है तो उसका कोई करंट अफेयर चल रहा होगा बाहर, आप पता कीजिए। नहीं मैं नहीं मान सकता इस लड़की का पति कोई अफेयर कर रहा होगा, इतनी सुंदर सुशील और इतनी अच्छी, आप देखिए इसकी मांग देखिए बराबर भरी हुई, टीका देखिए, आंखों में रौनक देखिए, अदा देखिए। बाहर क्यों जाएंगे किसी का नाच देखने जब घर में कंजर खाना खुला हो? जज साहब आप मेरी बात सुनिए, हमारा नीचे बैठ, उधर दे रही है, चलिए जज साहब के पास, जज साहब के पास नहीं आना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा जज साहब आप खुद एक लड़की, ये अंदर से ना ये महिला नहीं है ना, इसीलिए हम बैठने नहीं दे रहे हैं ना, प्रॉब्लम तो यही है जज साहब, आप समझ रहे, ये झोल है ये। जज साहब से दूर रह के बात करें आप। अब हम आपको आंखों देखा हाल समझा देते हैं, आपको लगे चाहे नहीं लगे आप खुद फैसला कीजिए, वकील साहब को मान लीजिए, हम मानते हैं अपना हस्बैंड। ए सुषमा की औलाद और लेके आ सामान जरा, मान लीजिए आपका पति क्यों बनूंगा? अभी अदालत में करके नहीं दिखाते हैं क्या? मान लीजिए सब वो सब आप करते नहीं क्या? तो मैं आपको पति ला देता हूँ, बात पति चाहिए ना। सुनिए एक मिनट अक्षय कुमार, एक मिनट आप सुनिए, एक मिनट, जब अक्षय कुमार जैसा हैंडसम आदमी हम उसको क्यों लेंगे पप्पू को अपना पति? हमारे पास ऑप्शन है, जब एक अच्छा पति ढूंढूंगा। नहीं कोई अच्छा पति नहीं आपके अलावा। हाँ जी कौन है? नहीं, आप आइए। अरे बढ़िया पति ढूंढा है, अब हमने ढूंढ लिया है, अदालत करके बक जाया मत। जज साहब चाहते हैं, जज साहब चाहेंगे, जज साहब क्या चाहते हैं? जॉली इनका पति आइए, जगदीश जी लेट मत कीजिए। देखो और बेटा आ जाओ, एक मिनट, भारतीय सिनेमा के इतने अच्छे भौजी, ये बड़े पुराने, आपको देख के मुझे वो बचपन का सीरियल याद आ गया, मुंगेरी लाल के हसीन सपने।
चलो यहाँ से, चलो चलो यहाँ। अरे 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 अरे, इंसान ही चाहिए, इंसान दिया आपको? हमने नहीं लिया ये इंसान, आपने दिया। अरे नहीं दिया मतलब ये इसकी तोहिन नहीं कर रहे हो? तोहिन की बात नहीं है। इसके घर वाले पिक्चर देख रहे हो? आप क्या करते हैं, क्या काम करते हैं आप? मैं कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ। कंप्यूटर है तो हम का सॉफ्टवेयर है जो हमको डाउनलोड करोगे वहाँ बैठो। सुनिए आप, चलो यहाँ से। हाँ अक्षय जी सुनिए, आप भारतीय सिनेमा के इतने बड़े एक्टर हैं, आपसे एक्टिंग करवाएंगे या कंप्यूटर वाले से कराएंगे, आप खुद जवाब दीजिए। भारतीय जनता, आइए। अगर दो मिनट में आपने नाटकीय रूपांतर नहीं शुरू किया भूल जाऊंगा कि आप औरतें हैं। चलो बोलो, आप गाना चलाने के लिए बोल रहे थे ना, ये लीजिए गाना चला। लेकिन इस गधे में हम तीन जैसे कैसे? वही तो, गधे में गधी कैसे घुसेगी आप देखिएगा। अक्षय भाजी आपको पता ही है हमारे शो की रवायत, हम लोग यार ये कमाल है, मैं जब भी फेरता हूँ ना सिद्धू जी की तस्वीर आपने रखी हुई है, ऐसा लगता है सिद्धू जी वाकई में बैठे हों, ये बोलती हुई तस्वीर है। और ये फोटो से लगता भी उनका शो की तरफ ध्यान कम ही है, उधर क्यों देख रहे? पाजी आपको पता ही है, हुमा आप भी जानती हैं, हम आपके फैंस से जो हैं, आपके जो चाहने वाले हैं, हालांकि आपका तो एक चाहने वाला स्टेज पे भी है, अगर आपके कोई केस पेंडिंग हैं तो आप जगदीश मिश्रा जी से आप अपना केस जो है सामने रख सकते हैं, साथ में उनकी धर्मपत्नी है जॉली एलएलबी से। जी आप में से जो कोई अपना केस रखना चाहता हो आप रख सकते हैं। हाँ जी इनका। हेलो सर। हाँ जी आपके कोर्ट में एक सवाल रखना चाहता हूँ, जैसे मेरी शादी लगी है, है? तो शादी लगी है, लोगों को सर्दी लगती तो मैं शादी लगी है, ये क्या जैसे बात है? शादी तय हुई है ना? शादी तय हो गई तुम्हारी? हाँ, तो मैं उसको हनीमून पे लेके जाना चाहता हूँ। हाँ तो लेके जाओगे, तुम्हारी है और कौन लेके जाएगा? तो मेरी मम्मी भी बोलती है जब मैं भी चलूंगी, वो भी तैयार है, तो मैं अपने बीबी को बता रहा हूँ। मम्मी को बोलो तुम पापा के साथ गई थी, मैं गया था। मैं अपने पत्नी को बोलता हूँ, मुझे मेरी मम्मी भी जा रही है तो मेरी पत्नी अपसेट हो रही है, तो मैं क्या करूँ बताइए। मम्मी को कहें कि ये हनीमून है, हनीमून का मतलब मम्मी कि हम घूम घाम के आ जाएंगे, हम दोनों को साथ में रहना होता है, हमें फ्यूचर आगे बच्चे पैदा करने होते हैं, और ये 5-6 दिन छोड़ दीजिए, उसके बाद जहां आप कहेंगी उसके बाद ले जाएंगे, ठीक है ना? ओके सर, थैंक यू। ओके, पर वैसे ब्रदर आप कहां प्लानिंग कर रहे हैं अपनी वाइफ को लेके जाने की? लखनऊ में जाने वाला हूं। अरे लखनऊ तो जगदीश्वर मिश्रा के गांव का ही है। तो वैसे यूपी में कहां पर रहते हैं आप? यूपी में गोरखपुर। अच्छा गोरखपुर से लखनऊ जा रहे हो, तो मम्मी को भी ले ही जाओ फिर, कौन सा। वैसे हुमा एक बात बताओ, अगर आपकी कल को शादी होती है जी, आपकी सास भी सेम डिमांड रख दे अपने पति को, हाँ, तो आपका क्या रिएक्शन होगा? नहीं मेरे सास ऐसा नहीं करेगी। तुम्हें क्या पता, तुम्हें पता मेरी मम्मी का स्वभाव का? जी भाई साहब। हेलो। हेलो कपिल सर। हेलो अक्षय सर। ये क्या कान क्यों पकड़े? सर उस्ताद हो सर आप, सेल्फ मेड सुपरस्टार दोनों। सिखाई आपको सर, आप दोनों सेल्फ मेड सुपरस्टार हो सर, तो बनता है ना सर इतना करना। सर मैं दिल्ली से आया हूँ सर, मैं एक चीज़ थी, लड़कियाँ ब्यूटी पार्लर जाती है, इतना मेकअप करती है, और मेन बात है उसका सारा बोझ लड़कों की जेब में पड़ता है, और असर भी नहीं होता, 2-3 घंटे बाद फिर सुबह जैसा मुँह हो जाता है उनका। सर फिर हम क्यों पे करें उसके लिए सर? इसके लिए आपको केस लड़ना चाहिए सर मेरे हिसाब से। बड़े इसीलिए ना 3.5 करोड़ केस पेंडिंग है, तुम ऐसे ऐसे घटिया केस लेके आते हो ना, जिसका ना सर है ना पैर है। बेटा आपकी जेब है, आपकी बीवी है या आपकी गर्लफ्रेंड है, आप संभालो जो है जैसा है, और उसमें कोर्ट को घसीटने की क्या जरूरत है? कहाँ थी तुम पागल इतनी देर? हेलो अक्षय सर। हेलो। मुझे ये कहना है सभी से, सभी जो इन भाई साहब ने कहा और सभी लड़कों से, कि अभी हम सब इंडिपेंडेंट हो गए, हम खुद से अर्न करते हैं और खुद के जैसे। क्या बात है, यस। अब बताओ यार, पहले तो भाई साहब मत बोलो मेरे को, मैं बच्चा ही तो हूँ अभी, है ना। पुराने जमाने में रानियां होती थी, वो भी तो मेकअप नहीं करती थी, राजा महाराजा फिदा रहते थे उनके ऊपर। तुम्हें कैसे पता भी, तुमने जाके देखा था? तब उनकी इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती थी जब जितनी अभी आपकी होती है। वैसे मैम आई विल रेडी टू पे फॉर यू। व्हाट डू यू थिंक? आई वुड लाइक टू बीट हिम। वो अरे खुशी खुशी खा लेगा वो।
हाँ नो 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 ये बड़ा पहले मार दो उसके पैर छुओ वो आइए थोड़ा टर्न अराउंड इतनी ओवर एक्टिंग करने की क्या जरूरत है अच्छा आप थोड़ा भी बड़ा प्यार से मारा आपने सो स्वीट आई एम प्राउड ऑफ यू वेरी गुड बहुत अच्छा जवाब दिया आपने मनचले नव युवक को बड़े से बहुत अच्छी बात कही कि मतलब लड़कियां खुद कमाती हैं और अपनी अपनी सारी जो खर्चे हैं वो खुद ले सकती हैं आई एम सो प्राउड ऑफ यू हुमा आई एम सो प्राउड ऑफ यू नो बट यू कैन पे फॉर मी आई डोंट माइंड आर यू सीरियस थैंक यू आपका क्या नाम है तनिष्का थैंक्स फॉर कमिंग थैंक यू अक्षय भाजी एक सेल्फी आप दोनों के साथ हो जाए थैंक यू अरे हमारे शो में आजकल रवायत नहीं शुरू की हमने तो जो हमें बड़ा एंटरटेन करते हैं मजा आता है जिनको मिलके उनको हम एक खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट करते हैं हमारी टीम में एक हमारे दोस्त है पांडे जी मैं उनको बुलाना चाहता हूँ बैक स्टेज में बहुत मेहनत करते हैं पांडे जी कहाँ हैं आप आइए आइए पांडे जी आप बहुत मेहनत करते हैं हुमा ये हमारी टीम मेंबर हैं पांडे जी क्या करते हैं पांडे जी बाद में बताता हूँ क्या करते हैं पर बहुत मेहनत करते हैं पांडे जी शुक्रिया थैंक यू सो मच अक्षय बाजी थैंक यू सो मच हुमा एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर जॉली LLB 2 थैंक यू थैंक्स फॉर कमिंग वंस अगेन बाजी कहते हैं कि वो वकील ही क्या जो लॉयर ना हो वो सिद्धू क्या जो शार ना ठोको 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 मुझे तो लगा शो खत्म हो गया वो जिसको प्यार किया उसने दगा दिया ओए होए छोटा सा सिद्धू वाओ जिसको प्यार किया उसने दगा दिया मेरे पीछे कुत्ता लगा दिया दिमाग बंद है आंखें खुली क्योंकि 3 बजे सोया था अक्षय ने 4 बजे जगा दिया वेरी बैड देख लो आपकी एब्सेंस का फायदा उठा के लोग नकली बन बन के घूम रहे हैं ओए गुरु ओए मेरी जगह इधर तो ओए गुरु इधर ओए गुरु उधर सामने गेस्ट बैठा है इधर मेरी बात सुन चल बैठ जा हाय मायसेल्फ लॉली JJP लॉली JJP जैसे आप जॉली LLB हैं मेरी बातों पे कोई हंसता नहीं है इसलिए मैं अपने सिद्धू साहब साथ लाया वो भी जोड़ी में आपको पता है इनकी वजह से हमारी जिंदगी खराब हो गई है हमें नहीं पता वही बता रहा हूँ पिद्दू जी मेरी बात सुनिए आप इनकी वजह से हमको कोई पार्टी में नहीं बुलाता क्योंकि पार्टी करते नहीं है हमारी पार्टी होती नहीं है आज जो पार्टियां नहीं हुई उन सारी पार्टियों का बदला आज मैं लूंगा यहां पे ले लूं तो आज यहां पे पार्टी होगी क्या बात है गुरु छोटा छोटा बनेगा छोटा छोटा मोटा मोटा बड़ा बड़ा सब बनेगा ओ बल्ले बल्ले क्या आहो आहो तो आज यहाँ पे मैं बुलाने जा रहा हूँ हमारे पार्टी के बाकी मेंबर्स को जो पार्टी करेंगे चलो भी शुरू करो अक्षय बाजी और हुमा के लिए जोरदार तालियां और हमारे साथी कलाकारों के लिए जोरदार तालियां और आगे तो बोल और हंसते रहिए और जैसे ये वो और हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए मुझे पता नहीं मैं कब ऐसे बात करता हूँ मेरी समझ में नहीं आया ये मेरी नकल कर रहा है या खुशकी उड़ा रहा है हम सब की मुस्कुराते रहिए और हंसते रहिए और हंसते रहिए फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़